रोहतक में एक युवक ने 20 साल बाद अपनी मां की हत्या का बदला लिया। रोहतक पुलिस ने मां की हत्या का बदला लेने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने पूछताछ में पुलिस को इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताई। आरोपी सुनील ने बताया कि करीब 20 साल पहले उसकी मां की हत्या हुई। उस हत्या में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मृतक सुरजीत का नाम भी शामिल था। इन 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी थी। युवक ने बताया कि गांव वाले अक्सर उसकी मां की हत्या का उसे ताना देते थे, जिसके कारण युवक को मृतक सुरजीत से रंजिश हो गई और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घरौटी गांव के रहने वाले रामवीर ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि उसके पिता सुरजीत सिंह हर रोज की तरह खाना खाकर ट्रैक्टर वाले कमरे में सो रहे थे। वह हर रोज रात को अपने पिता और पशुओं को संभालने के लिए आता था। जब वो शुक्रवार शनिवार रात को आया तो गांव का ही सुनील दरवाजे के पास शराब के नशे में डंडा लेकर घूम रहा था। अगले दिन सुबह यानी शनिवार को उसकी मां पशुओं को चारा डालने आई तो देखा कि उसके पिता चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। चारपाई के आसपास और दीवारों पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। उसकी मां ये देखकर घबरा गई और उसके चाचा के लड़के राम अवतार को बुलाई, जिसके बाद राम अवतार ने रामवीर को फोन करके इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रामवीर घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता के सिर पर गहरी चोट लगी हुई है। जी सर, कल एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, आरोपी पकड़ा गया, क्या है मामला? ऐसा जी, हमारे पास इतला आई थी कल सुबह। मैं मौके पर गया, वहाँ जो है तस्दीक की तो जो है एक आदमी की जो है घेर के अंदर हत्या हुई मिली, और जिसमें फिर जो है आसपास के फुटेज चेक किए गए। फुटेज के जो है आधार पर जो है सुनील उर्फ जे सनोब सरजीत को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने जो है हत्या करने का खुद मामला जो है कबूल लिया और उसके बाद इसकी जो है शाम को जो है गिरफ्तारी डाली गई है। इसको जो है आज पेश अदालत किया जा रहा है। क्या मामला सामने निकल गया सर? मामला ये था, इसने कहा आज से करीब 20 साल पहले जब मैं 2-2.5 साल का था तो इसने जो है मेरी माँ का कत्ल किया था। तो उस एवज में जो है मेरे को बार बार जो है इसको देखते ही गुस्सा आता था, उसके कारण मैंने जो इसका कत्ल किया। तो पहले भी कभी प्रयास किया था इसने सर? नहीं, पहले नहीं प्रयास किया, लेकिन गांव वाले कह रहे गांव वाले ताने बाने मेरे से मारते रहते थे कि तेरी माँ की हत्या कर रखी हो, ऐसे घूम रहा है और मेरे अंदर जो है ये रंजिश पैदा हो गई। तो ये मृतक जो है हत्या में शामिल था? हाँ, मृतक इसकी माँ की हत्या में ये कह रहा है कि ये मृतक था जिसको मैंने मारा है, ये मेरी माँ की हत्या में शामिल था। तो बदला लेने के लिए हत्या की गई? हाँ, बदले की भावना से इसकी हत्या की गई है कि मैंने बदला लेना था इससे। हथियार भी बरामद किया? हाँ, हथियार आज रिमांड पे लेने के बाद इसने कहा जी मैं हथियार बरामद करा दूंगा। हथियार अभी बरामदगी करनी है हथियार की, और उसकी घटनास्थल की भी निशानदेही करवानी है। आज इसको पेश अदालत किया जा रहा है, उसके बाद इस पर रिमांड पे लेकर फिर जो है गहनता से दोबारा पूछताछ की जाए। रामवीर ने सुनील पर ही अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि आरोपी सुनील रात करीब 11:45 बजे डंडा लेकर घूम रहा है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया है, ताकि हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया जा सके। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।